हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिका क्लासेस। आई एम डॉक्टर रितु पाल। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियो नोटिफिकेशंस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन फिजिक्स लाइक गेट, नेट और एनी लेक्चरर फिजिक्स टेस्ट, मास्टर केडर फिजिक्स टेस्ट और एनी टाइप ऑफ PhD MSc एंट्रेंस टेस्ट, देन यू आर एट द राइट प्लेस। हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मैंने उसका एक सेट बनाया है। प्रॉपरली हम पूरा सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कर्व ड्रॉन बिटवीन द वोल्टेज गेन एंड सिग्नल फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एम्पलीफायर इज नोन एज। एम्पलीफायर में जब आप फ्रिक्वेंसी वर्सेस वोल्टेज ग्राफ प्लॉट करते हो देन द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। वोल्टेज इज स्मॉल एट द एंड्स एंड इट इज मैक्सिमम इन द मिडल। सो दिस इज, सिंस दिस इज वोल्टेज वर्सेस फ्रिक्वेंसी ग्राफ, सो दिस इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द एम्पलीफायर। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैरियर सिग्नल ऑफ 1000 किलो हर्ट्ज is modulated with 5 kilohertz audio signal. The behavior of band, the bandwidth of the modulated output is. तो यहाँ पर हमें carrier signal जो है उसकी frequency given है और modulating signal की frequency given है और हमें bandwidth निकालनी है। तो आप suppose this is your carrier and this is your modulator wave, और जब wave की modulation होती है तो यहाँ पे जो कैरियर वेव है इट लुक्स लाइक दिस। तो जहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है दिस इज कॉल्ड अपर साइड बैंड एंड लोअर फ्रिक्वेंसी पार्ट इज कॉल्ड लोअर साइड बैंड। तो जो आपकी अपर साइड बैंड की फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज FC+FM विच इज कॉल्ड FMAX, इसको आप FMAX बोल देते हो, एंड लोअर साइड फ्रिक्वेंसी इज FC-FM विच is called f minimum. And what is bandwidth? Bandwidth is difference between the upper side frequency and the lower side frequency. तो अगर आपने bandwidth निकालनी है, bandwidth का formula होगा अब fmax minus fmin, ठीक है। तो fmax और fmin कैसे निकालोगे? हमारे पास fc given है 1000, तो आपकी value आ जाएगी 1000 plus ये है 5, ठीक है। तो ये एफ मैक्सिमम आ जाएगा 1000+5 मीन्स 1005 एंड एफ मिनिमम आ जाएगा 1000-5, तो ये आ गया 995, ठीक है। सो यू टेक द डिफरेंस, सो डिफरेंस जब माइनस करोगे 10 आ जाएगा। सो आंसर इज 10 किलोहर्ट्ज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नैंड गेट्स आर यूज टू फॉर्म एंड गेट। जो आपका नैंड गेट होता है, नैंड गेट इज नॉट प्लस एंड, और हमें देखना है कि कितने नैंड गेट हमें लगाने पड़ेंगे इफ वी वांट टू फॉर्म एन एंड गेट। आपको पता है कि एंड गेट की जो आउटपुट होती है वाई दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। तो हम एक एक करके नैंड गेट लगाएंगे। सपोज हमने एक नैंड गेट लगाया है, सो नैंड गेट यहाँ पे ऐसे बनेगा। नैंड गेट अगर हमने एक लगाया है जिसकी इनपुट ए एंड बी है, तो उस केस में जो उसकी आउटपुट आएगी सपोज बी से Y1, तो क्या आएगी, ठीक है। देखो अगर एंड गेट की ए डॉट बी है तो नैंड गेट की क्या आएगी, ए डॉट बी बार, ठीक है। नॉट हो गया तो बार लग गई। अब नैंड गेट की जो आउटपुट है दिस इज गिवन टू द नेक्स्ट नैंड गेट, क्योंकि हमें देखना है कि कितने नैंड गेट लगा के एंड गेट बनेगा। तो हमें नैंड गेट ही लगाने हैं, हम दूसरा नैंड गेट लगा देते हैं। दूसरा नैंड गेट लगा के हमें देखना है कि आउटपुट कैसी आएगी। जब तक हमारी आउटपुट ए डॉट बी नहीं आती हम नैंड गेट ऐड करते जाएंगे। सो जो वाई वन है, अब देखो ये नैंड गेट के दोनों जो इनपुट्स हैं इसको क्या मिलेंगी, ए डॉट बी बार, ये इसका एक इनपुट हो गया, और यू कैन से कि Y1 Y1 दोनों मिलेंगे इनपुट्स, दोनों ही Y1 Y1 होंगे। तो क्या होगा, इस वाले की जो इनपुट्स होंगी क्या होंगी, Y1 डॉट Y1
बार, ठीक है, ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। अगर इसको इनपुट में वाई वन दो बार दे रही हूँ, तो जैसे इसकी ए डॉट बी बार आई है, इसके लिए ए और बी क्या हो गए, वाई वन, तो इसका वाई वन डॉट वाई वन होल बार, तो वाई वन की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए डॉट बी बार डॉट ए डॉट बी बार, ये वाई वन हो गए और इसका सारे का हम बार लगा देंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली अप्लाई बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है कि जब आप ये नॉ ये वाली बार हटाओगे, तो ये डॉट है जो प्लस हो जाएगा, तो ए डॉट बी, एक बार तो पहले ही था, जब हम बार अलग अलग लगा रहे हैं ए डॉट बी पे, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। इसको लिख दोगे ए डॉट बी, और यहाँ पे भी डबल बार आ गया। नाउ अगर बूलियन अलजेब्रा में दोनों सेम एक्सप्रेशन है, तो उसको आप एक बार सिंपली लिख सकते हो ए डॉट बी बार बार। अब एक बार बार हटा दो तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस बी होल बार, ठीक है। एक बार हटा दी तो डॉट प्लस हो गया, फिर से बार हटा दो तो प्लस क्या हो जाएगा, डॉट। तो ये वाला आ गया ए डॉट बी। इसका मतलब हो गया कि मेरी इस सेकेंड गेट की आउटपुट आ गई ए डॉट बी। तो ये जो आउटपुट है, दिस इज आउटपुट ऑफ एंड गेट, ठीक है। सो इसका मतलब मैंने जब दो नैंड गेट लगाए हैं, तो मेरा आउटपुट एंड गेट जैसा आ गया है। सो इट मीन्स आई नीड टू नैंड गेट्स इन ऑर्डर टू गेट वन एंड गेट, ठीक है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट्री पार्टिकल्स हुज मास इज मोर देन दैट ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर कॉल्ड। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मास न्यूक्लियॉन से ज़्यादा होता है, उनको क्या बोलते हैं, आंसर इज सी, बेरियॉन्स। क्योंकि मीजोन्स आर मिडिल वेट पार्टिकल्स, ठीक है, केऑन्स और पायोन्स इसके अंदर आते हैं, और इनका वेट जो मास होता है, दैट इज पायोन्स का 139 एम ई भी होता है, और केऑन्स का 439-450 के आसपास होता है। लेप्टॉन्स आर लाइट वेट पार्टिकल्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, म्योन्स एंड टाउन्स, म्योन्स भी लेप्टॉन हो गए, तो ये तीनों लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं। सिर्फ बेरियॉन्स जैसे सिग्माज हो गए, डेल्टाज हो गए, दे आर हैवियर देन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो वो ही बेरियॉन ही इनसे हैवी होते हैं, तो आंसर इसका आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोन इज मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क्स। तो प्रोटोन जो है तीन क्वार्क से बना है, आपको उसकी बताना है कि कौन से उसके क्वार्क कॉन्स्टिट्यूंट होंगे। तो जो यू का क्वार्क होता है, यू क्वार्क हैज फ्रैक्शनल चार्ज प्लस 2/3e, एंड डी क्वार्क हैज फ्रैक्शनल चार्ज विच इज इक्वल टू -1/3e। तो हमें देखना है कि प्रोटॉन के लिए कौन कौन से क्वार्क चाहिए आपको, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1 मीन्स प्लस ई होता है, सो वी चेक द फर्स्ट कॉम्बिनेशन यू यू डी, और देखते हैं कि इसका कितना चार्ज बनेगा। दो यू हैं तो मतलब प्लस 2/3 एंड प्लस 2/3, एंड एक डी क्वार्क है मीन्स -1/3, और इसको आप ऐड करोगे ये आपका बन जाएगा प्लस 1, सो प्लस ई आ गया, विच इज चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, सो इट मीन्स द आंसर इज ए, यू यू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चंद्रशेखर लिमिट इज डिफाइंड एज। चंद्रशेखर जो है इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट है, इसने चंद्रशेखर लिमिट दी है, दिस इज ये मैक्सिमम लिमिट है मास की, विच इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेंबर ऑफ सिग्मा ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ टू यू क्वार्क्स एंड एन एस क्वार्क, द चार्ज ऑफ दिस मेंबर इज। तो एक जो पार्टिकल है सिग्मा ग्रुप का, उसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे यू यू एस क्वार्क है, ठीक है, और इसका टोटल चार्ज निकालना है। अब यू के ऊपर चार्ज अभी हमने डिस्कस करा है प्लस 2/3e होता है, ठीक है, और यू दूसरा आ गया उसका भी प्लस 2/3 हो गया। अब एस क्वार्क का चार्ज कितना होता है, जितना डी क्वार्क पे होता है, तो इसका चार्ज हो गया -1/3e, तो टोटल सॉल्व करके कितना आ गया प्लस ई, सो इस सिग्मा ग्रुप के पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा प्लस ई, सो आंसर इज सी।
Next question. A force appears in the non-inertial frame but is zero in the inertial frame is called. तो दो फ्रेम की बात हो रही है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, एक इनर्शियल फ्रेम है. जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है दैट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ए. इनर्शियल फ्रेम जो होता है इट इज़ ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. और नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन जब होती है दैट इज़ कॉल्ड नॉन इनर्शियल. जब इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन हो जाए तो नॉन इनर्शियल बन जाता है. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में कौन सी फोर्स होती है इनमें से? द आंसर इज सी, फिक्टिशियस फोर्स. फिक्टिशियस फोर्स इज अ सीडो फोर्स, मीन्स फोर्स इसीलिए आ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन है. अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो फोर्स भी जीरो हो जाएगी. जैसे अगर हम कार में जा रहे होते हैं तो जब स्पीड अप जब एक्सेलरेशन होती है एकदम से एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं तो हम पुश फील करते हैं, दैट इज अ फिक्टिशियस फोर्स. मैरी गो राउंड पे आप अगर झूल रहे हो तो वहाँ पे भी आप एक आउटसाइड आपको पुश फील होता है, दैट इज ऑल्सो of fictitious force which is because of the acceleration of the frame. So answer is C. Next question is the quantum nature of light is not supported by the phenomenon of. So इनमें ये चार phenomena given है कि इस phenomena में जो light का quantum nature का concept use नहीं हुआ वो हमें बताना है. देखो photoelectric effect में क्या होता है, हम photon को light photon को quanta consider करते हैं कि क्वांटा ऑफ लाइट जो है अगर उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के मैटर के वर्क फंक्शन के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन. मीन्स यहाँ पे हमने फोटोन का क्वांटम नेचर यूज़ करा है. क्वांटम इफेक्ट में भी फोटोन का क्वांटम नेचर यूज होता है. इमिशन या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर भी क्या होता है कि जब इमिशन या अब्जॉर्प्शन होती है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि फोटोन इमिट होगा. फोटोन जब बोलेंगे तो इट मीन्स क्वांटा ऑफ लाइट. तो तीनों ए बी डी ऑप्शंस में क्वांटम नेचर की बात हो रही है. सिर्फ इंटरफेरेंस जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट, कि जो वेव लाइट जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. और जब वेव्स की इंटरफेरेंस होगी तो क्रेस्ट एंड ट्रफ बनेंगे, आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमा और मिनिमा आएंगे. तो वेव नेचर यूज होता है इंटरफेरेंस में, ना कि क्वांटम नेचर ऑफ लाइट. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर्स टू आई कैप. दो हमारे पास तीन वेक्टर्स गिवन है. वेक्टर्स विल बी कोप्लैनर इफ ए इज इक्वल. तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है. वेक्टर्स जो है वो कोप्लैनर है. देखो हमें पता है कि वेक्टर्स कोप्लैनर कब होते हैं, व्हेन वन वेक्टर की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वैक्टर्स. सो ए सपोज ये वैक्टर जो है लेफ्ट साइड इट इज इक्वल टू एक्स टाइम्स फर्स्ट वैक्टर विच इज आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप एंड प्लस वाई टाइम्स, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या होगा एक्स और वाई का वैल्यू. तो हम जस्ट ले रहे हैं कि वन वैक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वैक्टर्स. आप कैसे भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आंसर सेम आएगा. तो मैंने पहले वैक्टर को दूसरे दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया. नाओ वी क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे एक्स आई कैप के कोफिशेंट आ जाएंगे एक्स प्लस थ्री वाई. ठीक है, सिमिलरली जे कैप के कोफिशेंट आ जाएंगे माइनस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री वाई सॉरी टू वाई टू x प्लस ए वाई. ठीक है, और थर्ड k कैप के कोफिशिएंट आ जाएंगे लेफ्ट साइड 1 एंड राइट साइड माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव वाई. ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई. वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. ठीक है, x और y की वैल्यू निकालेंगे, देन वी सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू माइनस फोर. So answer of this question is minus 4a. Next question. The method of reproducing three-dimensional images without cameras or lenses using photographic film and coherent light is called. So three-dimensional images बनाने के लिए जो method use होता है उसको क्या बोलते हैं? The answer is holography and the image is called hologram. In case of holography, जैसे सिंपल जो टू डिमेंशनल फोटोग्राफ होता है जो सिंपल, वहाँ पे कैमराज और लेंसेज यूज होते हैं. इन केस ऑफ फोटोग्राफी लेज़र बीम इज यूज्ड. एक बीम जो है इट विल एक्ट एज अ रेफरेंस बीम,
और दूसरा बीम जो है ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके जाएगा। अब जो रेफरेंस बीम है इट विल कवर द फेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये सिंपल ऑब्जेक्ट बीम सिंपल 2D इमेज देगा। तो जब 2D इमेज और फेज मिक्स हो जाते हैं तो देन वी विल गेट होलोग्राम, ठीक है, विच इज 3D पिक्चर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सर्फेस ऑफ मेटल बाई मेंटेनिंग अ सर्टन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स इन वैक्यूम इज कॉल्ड। तो अगर इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फील्ड इमिशन। द आंसर इज सी एज शोन इन द फिगर। अगर यहाँ पे फील्ड अप्लाई करा है तो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट होंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो स्केप हो जाएंगे मेटल से, दिस इज बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फील्ड। जो आपका थर्मोनिक मिशन होता है, थर्मो मीन्स हीट, तो अगर बाई हीट इलेक्ट्रॉन मिशन हो रही है दैट इज कॉल्ड थर्मोनिक मिशन। अगर फोटो मीन्स लाइट, अगर लाइट के कारण इमिशन हो रही है जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और सेकेंडरी इमिशन, जब कोई चार्ज पार्टिकल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी फील्ड इमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स ऑफ द वर्ल्ड टूडे यूज। तो जो लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स जो बहुत दूर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए यूज़ होती हैं, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले जो लेंसेज होते हैं, लार्ज साइज लेंसेज बनाने बहुत डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू लार्ज साइज मिरर्स, इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लेंस तो यूज़ नहीं होंगे। सो डेफिनेटली सी एंड डी आर नॉट द आंसर्स। सो आंसर आपका ए और बी में से होगा। अब यहाँ पे भी देखो कि जो ए है कन्वेक्स मिरर के केस में डाइवर्ज हो जाता है बीम, ठीक है, फोकस नहीं होता। कनकेव के केस में कन्वर्जेंस होती है। सो दोनों में से कनकेव यूज़ होगा, कनकेव पैराबोलाइड मिरर। तो पैराबोलाइड मिरर यूज़ होगा, स्फेरिकल मिरर यूज़ नहीं होते, क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स के केस में स्फेरिकल अब्रेशंस आ जाती हैं जिसके कारण जो आपकी इमेज है, जो बीम एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही है, दैट इज़ नॉट फोकस्ड। तो इसलिए पैराबोलाइड मिरर यूज़ होते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हायर द क्वालिटी फैक्टर क्यू ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर शोज। अगर डैम्प्ड ऑसिलेटर का क्वालिटी फैक्टर हाई है तो उसका क्या मतलब है? जो क्वालिटी फैक्टर होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिसिपेटेड। एनर्जी डिसिपेशन कम होगा क्योंकि ये एनर्जी डिसिपेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो एनर्जी डिसिपेशन कम हो रहा है इट मीन्स कि वहाँ पे डैम्पिंग जो है वो लो है। अगर डैम्पिंग कम होगी तो एनर्जी डिसिपेशन कम होगा, डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो एनर्जी डिसिपेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, इसका आंसर है ए कि लार्ज क्वालिटी फैक्टर इट मीन्स लेस डैम्पिंग और लोअर डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, प्लैंक फार्मूला रिड्यूसेस टू रेले जीन्स फार्मूला फॉर। तो ब्लैक बॉडी के केस में दो फार्मूले हम पढ़ते हैं। वन इज प्लैंक फार्मूला विच इज यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8π न्यू स्क्वायर ओवर c³ एच न्यू ओवर ई पावर एच न्यू ओवर kT माइनस 1 इंटू डी न्यू। दिस इज प्लैंक्स फॉर्मूला एंड रेले जीन्स फॉर्मूला इज यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8π न्यू क्यू ओवर c³ डी न्यू और यहाँ पे kT आ जाएगा। तो आपको बताना है कि किस कंडीशन के अंडर ये जो फॉर्मूला है ये इस फॉर्मूला में रिड्यूस हो जाएगा। सो फॉर दैट वी कैन से दैट व्हेन एच न्यू ओवर kT इज वेरी स्मॉल, तो उस केस में एक्सपोनेंशियल की जो पावर है, जब रिड्यूस पावर एक्सपेंड करेंगे तो
हायर पावर्स में डिडक्ट कर देंगे तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आएगी 1 + h³/kT। तो इसलिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्सपोनेंशियल की, ठीक है, विच इज इक्वल टू h³/kT एंड ये -1 है और यहाँ पे 1+ आ जाएगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर 1 चला गया तो क्या बचेगा आपके पास, 1 कैंसिल हो गया दोनों आपस में, ठीक है, एंड वी हैव ओनली h³/kT। तो h³ कैंसिल हो गया एक ये दोनों और kT ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 8π µ² c³/kT यहाँ पे स्क्वेयर आएगा। तो इट मीन्स कि आपका जो ये फॉर्मूला है दिस इज प्लैंक्स फॉर्मूला गेट्स रिड्यूस्ड इनटू द रेले जीन्स फॉर्मूला। तो कब हुआ, जब हमने h³/kT को वेरी वेरी स्मॉल अज्यूम करा एज कम्पेयर टू 1। सो इट मीन्स h³/kT इज वेरी वेरी स्मॉल, सो न्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, विच मीन्स अगर फ्रिक्वेंसी स्मॉल है तो इट मीन्स वेव लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज, सो दिस विल हैपन एट लॉन्ग वेव लेंथ। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 4 × 10⁻⁶ m/s। वी कैन मेजर द स्पीड टू अ प्रिसीजन ऑफ 1% द प्रिसीजन ऑफ पोजिशन मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हमें हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करना है। डेल्टा एक्स डेल्टा बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/2, ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन जो होती है h/2 होती है। अभी हम डेल्टा एक्स की हमें निकालना है विच इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। सो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/2 मीन्स h/4π हो गया और ये डेल्टा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी की वैल्यू हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज एच की वैल्यू हो जाएगी 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड और नीचे डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा पाई 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में बताया 9.1 × 10⁻³⁹ kg और जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है दैट इज गिवन मींस 1%। सो मींस 1/100 टाइम्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विच इज 4 × 10⁻⁶। सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस स्टफ बट वी विल गेट वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.45 nm। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ अ कोएक्सियल स्टेट केबल द सेंट्रल कंडक्टर एंड द आउटर कंडक्टर कैरी इक्वल करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट्स इज जीरो। तो दो एक केबल गिवन है आपको और केबल के केस में जो करंट है एक सेंट्रल कंडक्टर है और एक आउटर कंडक्टर है। सेंट्रल कंडक्टर आउटर कंडक्टर में जो करंट है वो सेम है, जो अगर यहाँ पे आई है करंट इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में आप बाहर डायरेक्शन में है तो ये बाहर वाली केस में जो करंट है दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आपके पास इक्वल है करंट दोनों साइड आई आई तो हमें निकालना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा वो कहाँ पे होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एम्पीयर सर्कुलर लॉ यूज़ करेंगे। तो ये हमने लूप ड्रॉ करी है एम्पेरिकल लूप और हमें एम्पीयर सर्कुलर लॉ का फॉर्मूला पता है B.dl इज इक्वल टू µ0 I इनक्लोज जितना इनक्लोज करंट है। तो I इनक्लोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि I जितना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम है तो ये इस लूप के अंदर जितना करंट अनक्लोज हुआ क्या होगा, एक I है एक माइनस I है तो ज़ीरो हो गया, इट मीन्स ए ज़ीरो आ गया। सो बी की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो आ गई। कहाँ पे आई है, हमने लूप कहाँ पे कंसिडर कराया है, इसके आउटसाइड, ठीक है, इस कंडक्टर के। तो इट मीन्स आउटसाइड द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज
जीरो। अगर हम इनसाइड द कंडक्टर बात करें, यहाँ पे अगर लूप ड्रॉ करते हो तो आई करंट आ गया, ठीक है, इन बिटवीन द कंडक्टर्स लेते हो तो भी करंट आई आएगा। तो इसका सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचेगी, आउटसाइड द केबल जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो करंट हैं अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। और हमेशा हमें ये एम्पेरिकल लूप कंसिडर करके ही इस फॉर्मूले से ही मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। सो इसका आंसर आएगा डी। सो दैट इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द PDF ऑफ द क्वेश्चन आई यूज टू सॉल्व इन माई ऑल द वीडियोज़। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।